हेलो फ्रेंड्स, बेबी गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करूंगी आपसे इस वीडियो में कुछ ऐसे परमानेंट प्लांट जिनको आप जब एक बार अपने गार्डन में लगा लेती हैं तो ये हमेशा आपके गार्डन में बने रहेंगे, कभी ख़त्म नहीं होंगे। ऐसे रफ टफ और परमानेंट प्लांट आपसे शेयर करूंगी। अगर आपके पास नहीं है, जब आप न्यू गार्डनर हैं, बिगनर हैं, तो इन प्लांट्स को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। ये हमेशा हमारे गार्डन में बने रहते हैं, सिर्फ एक बार आप इनको अपने गार्डन में लगा लीजिए तो हमेशा ये आपके गार्डन में बने रहेंगे। कौन से हैं ऐसे प्लांट, शेयर करूंगी इस वीडियो में, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला प्लांट है, देखिए, गुल मेहंदी या बालसम। ये प्लांट देखिए हमेशा मेरे गार्डन में, जब इसका जैसे सीज़न होता है, गर्मी का सीज़न और बरसात का सीज़न, ये खुद ही ग्रो हो जाता है और इस तरीके से फूल देता है। और जब इस पर फूल खिलते हैं उसके बाद इसमें सीड बनते हैं और सीड ये देखिए इसी क्यारी में गिर जाते हैं। जब इसका नेक्स्ट सीज़न आएगा अगले साल, तो फिर ये प्लांट खुद ही ग्रो हो जाते हैं, फूल देते हैं। तो इस तरीके से इसका जो सर्कल है वो चलता रहता है। सिर्फ मैंने इसको एक बार 5-7 साल पहले लगाया था, तो ये हमेशा मेरे गार्डन में अभी खिलते हैं जब इनका सीज़न होता है। दूसरा प्लांट है, देखिए, मदर ऑफ थाउजेंड। एक बार अपने गार्डन में लगा लीजिए तो ये हमेशा आपके गार्डन में बना रहेगा, कहीं भी नहीं जाएगा, ना ही कभी ख़त्म होगा। तो इसकी दो टाइप मिलती हैं, एक थोड़े से चौड़े पत्तों वाली होती है, एक थोड़े से पतले पत्तों वाली होती है। दोनों के पत्तों पर इसके छोटे छोटे बेबी प्लांट्स लगे रहते हैं जिनसे इसके नए प्लांट बनते हैं, और इस तरीके से ये प्लांट कभी ख़त्म नहीं होता है। तो अगे भी इसी तरह का एक रफ टफ प्लांट है, दो टाइप में मिलता है, एक ग्रीन होता है, एक थोड़ा सा वेरिएटेड होता है। और जो इसका मेन प्लांट होगा उसकी जड़ों से बहुत सारे बेबी प्लांट्स निकलते हैं जिनको डिवाइड करके आप इस तरीके से प्लांट बना सकते हैं। और देखिए ये वेरिएटेड वाला है और देखिए ये ग्रीन वाला है। तो देखिए कितने भी बेबी प्लांट्स हैं इसकी जड़ों में, तो एक बार आप इनको लगा लीजिए, हमेशा आपके गार्डन में बने रहेंगे। तो रियो भी देखिए, ये एक ऐसा प्लांट है, जब आप एक बार इसका प्लांट लगाते हैं तो कब इसके 10 हो जाते हैं पता भी नहीं चलता है, 2 महीने में ही, और पूरा गमला जहाँ भी आपने इसको लगाएगा उसको भर लेगा। तो ये नर्सरी पर आपको 50 रुपये तक मिल जाता है, एक बार ले आइए तो ये आपके गार्डन में हमेशा बना रहेगा और कभी भी ख़त्म नहीं होगा, आपको बहुत सारे नए प्लांट बना के देगा। ये देखिए, ये इसकी वेरिएटेड टाइप है, तो ये इसके भी जड़ों से बहुत सारे बेबी प्लांट्स निकलते हैं जिससे ये मल्टीप्लाई होता है। बहुत ही खूबसूरत लगता है ये देखने में। आप इसको छोटे गमले में, बड़े गमले में, हैंगिंग बास्केट में, कहीं भी लगा सकते हैं। तो देखिए ये प्लांट है कोक्सकॉम का। इस प्लांट को मैंने 4-5 साल पहले या उससे भी ज़्यादा साल पहले मैंने इसको कहीं से एक प्लांट अपने गार्डन में लेके लगाया था। तो हर साल देखिए मेरे गार्डन में ये प्लांट उगाते हैं, इस साल तो बहुत सारे हैं। तो पिछले साल मेरे पास 2-3 प्लांट थे, तो उनमें से मैंने बहुत सारे सीड कलेक्ट किए थे, तो उन्हीं को मैंने इधर उधर डाल दिया। तो ये प्लांट जो है कभी भी ख़त्म नहीं होता, एक बार आप इसको अपने गार्डन में लगा लीजिए। तो देखिए स्नेक प्लांट, खासकर ये वाला जो नॉर्मल वाला स्नेक प्लांट, काफ़ी लंबी लंबी ब्रांचेज होती हैं इसकी, तो ये भी काफ़ी रफ टफ होता है। एक प्लांट आप लगाएंगे और बहुत सारे इसके बेबी प्लांट्स इसकी जड़ों से ही निकलते हैं और ये मल्टीप्लाई होता है। तो देखिए मैंने इसको छोटे से गमले में लगा के इंडोर में रखा हुआ है, तो इंडोर में अच्छे से चलता है, इसको ज़्यादा धूप पसंद नहीं होती है। ज़मीन में लगाएंगे तो ये फिर धूप में भी चल जाता है। तो देखिए इस तरीके से इसको भी आप लगा सकती हैं। नेक्स्ट प्लांट देखिए हवर्थिया है। हवर्थिया भी मेरे पास इस समय बहुत सारे प्लांट हैं, मैंने एक दो प्लांट इसके नर्सरी से लाए थे 3-4 साल पहले, तो अभी मेरे पास इसके बहुत सारे प्लांट हैं। ये भी जब एक प्लांट हमारे पास होता है तो उसकी ही जड़ों से छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकलते हैं जिससे ये मल्टीप्लाई होता है, और ये प्लांट भी कभी भी ख़त्म नहीं होता है, बढ़ता ही जाता है। तो देखिए ये प्लांट है बिंका का। बिंका का तो सबको पता ही है कि इसके बहुत सारे फूल खिलते हैं, और जितने फूल खिलेंगे उतने ही ज़्यादा सीड बनेंगे, और जितने ज़्यादा सीड बनेंगे उतने ही ज़्यादा नए प्लांट होंगे। तो इस तरीके से इसका जो सर्कल है वो चलता रहता है और ये प्लांट कभी भी ख़त्म नहीं होता है, एक बार आप इसको अपने गार्डन में लगा लीजिए। मेरे पास देखिए जितने भी प्लांट हैं तो मैंने अब सीड से ही ग्रो किए हैं, इस बार मैंने कोई प्लांट नर्सरी से नहीं खरीदा था, पिछले साल खरीदे थे मैंने। तो देखिए मेरे पास बहुत सारे डिफरेंट कलर के हाइब्रिड भी हैं, देसी भी हैं। तो देखिए इस तरीके से इन पर सीड बनते हैं, सीड कलेक्ट कीजिए आप, मिट्टी में डाल दीजिए, तो बहुत सारे आपको नए प्लांट जो है पूरा साल मिलते रहते हैं। और देखिए इस तरीके से इनमें फूल खिलते रहते हैं, मिट्टी में डाल दीजिए इस तरीके से सीड, तो हफ्ते में आपको छोटे छोटे प्लांट जो है मिल जाते हैं। तो अपराजिता देखिए, मैंने जो है 2018 या 2019 में इस प्लांट को नर्सरी से लिया था, और अभी भी मेरे पास ये है, और हर साल मैं कभी कभी मेरे पास पुराना प्लांट होता है तो वो भी फूल देते हैं, और मैं नए प्लांट भी इसके जो है सीड से ग्रो करती हूँ।
तो इस तरीके से ये भी प्लांट जब एक बार आपके गार्डन में आ गया कहीं नहीं जाता, क्योंकि इस पर भी बहुत सारे सीड बनते हैं। तो सीड जहाँ भी गिरेंगे नया प्लांट उगाता है, जहाँ आप खुद भी ग्रो कर सकते हैं। देखिए ये इसके सीड होते हैं, जहाँ भी आप डाल देंगे नया प्लांट जो है हफ्ते 10 दिन में निकला आता है, और उसको आप गमले में लगा के उससे और भी फूल ले सकते हैं। और इस तरीके से ये भी प्लांट जो है कभी भी ख़त्म नहीं होता है, परमानेंट प्लांट है, पूरा साल फूल भी देता है, 1-2 महीने सर्दी के छोड़ के। तो देखिए गोम्फरीना भी एक ऐसा प्लांट है, मेरे पास ये प्लांट 2-4 साल से है और हर समय इसमें फूल खिलते रहते हैं, एक मौसम चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो। तो देखिए इस समय मेरे पास इसके बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट हैं जो मैंने इसी के ही सूखे हुए फूलों से तैयार किए हुए हैं। तो इसमें भी 2-3 कलर है मेरे पास, जैसे लाइट पिंक है, डार्क पिंक है और एक वाइट है। तो देखिए ये मेरे पास इस समय इसके बहुत सारे सीड हैं। तो इस समय अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है, नर्सरी से ले सकते हैं, इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं होता है, और एक बार आपके गार्डन में आ गया फिर ये कहीं नहीं जाएगा, हमेशा आपके गार्डन में बना रहेगा। बहुत ही रफ टफ प्लांट है, फूल जब खिलते हैं महीनों खिले रहते हैं। उसके बाद देखिए रेन लिली है, तो रेन लिली भी एक ऐसा ही प्लांट है, इसके 2-4 बल्ब आप लगाएंगे तो नेक्स्ट सीजन जो है इसके जो है आपको 8-10 बल्ब मिल जाएंगे। इस तरीके से ये प्लांट जो है कभी भी ख़त्म नहीं होता है, अपने आप को बढ़ाता है और मल्टीप्लाई होता जाता है। तो आप इसके और गमले तैयार कर सकते हैं, जो कोई आपसे मांगे उसको दे सकते हैं। तो मेरे पास देखिए, मेरे पास इस समय जो वाइट वाला है उसको मैंने इस समय डिवाइड करके उसके 1 से 2 गमले बनाए हैं। तो ये भी ऐसा प्लांट होता है, कभी ख़त्म नहीं होता है, अपने आप को बढ़ाता है। उसके बाद देखिए ये एलोवेरा है, तो एलोवेरा का भी एक प्लांट मैंने कहीं से लाई थी, तो अभी मेरे पास एलोवेरा के बहुत सारे प्लांट हैं, क्योंकि इसका भी एक प्लांट जब होता है वो भी अपने जड़ों से छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकालता है, अपने आप को मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई करता है, और ये जो प्लांट है कभी भी ख़त्म नहीं होता है। तो अडेनियम अगर आपके पास नहीं है तो एक प्लांट ले आइए, जब वो प्लांट थोड़ा सा बड़ा होगा उस पर फूल खिलेंगे और उस पर जब सीड बनते हैं तो उन्हीं सीड से आप नए प्लांट बनाएंगे। तो आपका अडेनियम का जो प्लांट है ये भी कभी ख़त्म नहीं होगा और आपको नए नए प्लांट जो है बना के देगा सीड्स के थ्रू। मैंने भी कुछ प्लांट इसके नर्सरी से खरीदे थे, अभी मेरे पास बहुत सारे अडेनियम के प्लांट हैं, जो मैंने पुराने जो अडेनियम के प्लांट थे उन्हीं ये सीड से ग्रो किए हुए हैं। तो अडेनियम का भी ऐसा ऐसा प्लांट है, जब हम एक लगाते हैं तो बहुत सारे उन पर सीड बनते हैं, तो सीड से हम बहुत सारे नए प्लांट बना सकते हैं अपने घर में, उनकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, या कोई हमसे मांगे उनको भी दे सकते हैं। नर्सरी पर ये काफ़ी महंगा भी मिलता है, देसी भी होता है इसमें सिंगल पेटल वाला, और डबल पेटल वाला ग्राफ्टेड भी मिलते हैं। तो देखिए ये है चेन प्लांट, तो चेन प्लांट जो है हमें नर्सरी पर मिल जाता है 20-30 रुपये का, और एक बार ले आएंगे तो कब इसके बहुत सारे प्लांट बन जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं भी एक लाई थी 30 रुपये का प्लांट, अभी मेरे पास देखिए कितने ही प्लांट है, मैंने इसको हैंगिंग बास्केट में लगाया हो और एक प्लांट से देखिए कितने ही बन गए हैं, तो मैंने औरों को भी दिए हैं। तो इस तरीके से प्लांट जो है कभी भी ख़त्म नहीं होता है, खुद को मल्टीप्लाई करता जाता है और हमेशा आपके गार्डन में बना रहता है, केयर भी इसकी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है, और जो है हमेशा हमारे गार्डन में ये बना रहता है, बिना केयर के चलता है। तो चेन प्लांट की तरह स्पाइडर प्लांट होता है, देखिए इस तरीके से अपने जड़ों से ही इस तरीके से छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकालता है, जो नीचे की ओर लटकते रहते हैं और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इन्हीं को लेके आप नए प्लांट भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह के और भी बहुत सारे प्लांट होते हैं जो बहुत ही रफ टफ होते हैं, बिना केयर के चलते हैं और हमेशा हमारे गार्डन में बने रहते हैं, तो वो मैं आपसे कभी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।